और दूसरे मैच का, दूसरे मैच 10वां पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल 2000 जर्सी नंबर 5 के द्वारा यहां पे 17 नंबर जर्सी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं नितेश। क्या क्रॉस देखने को मिल सकता है बॉक्स के अंदर? प्रयास हो रहा था लेकिन इस बीच यहां पे गेंद को छीनने का प्रयास आज का किक ऑफ हो चुका है। हम आपको बाद में थोड़ा कॉल करते हैं। आज के पहले मैच में निश्चित रूप से कमाल का फुटबॉल खेल देखे। जर्सी नंबर 4 में है नुहू। मौका मिला है राजा स्पोर्ट्स परियातों के पास। एक अच्छा टैकल यहां पे बॉक्स के अंदर, एक अच्छा चांस क्रिएट जरूर किया था लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। राज्य डिस्ट्रिक्ट में अभी तक राजा स्पोर्ट्स ने राज किया है अगर 2024 की बात करें, लेकिन के सामने एक मजबूत चुनौती है इस प्रतियोगिता में। एक अच्छा मैच होगा इसकी पूरी गारंटी। एक और बार यहां पे पासिस के जरिए मौके बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कमाल का प्रयास एक दीवाने की तरह। लगातार मौके बनाएंगे बरियातों की टीम। इस बीच यहां पे जर्सी नंबर 7 के पास लेफ्ट टू राइट का अटैक है। हल्का सा पास बॉक्स के नजदीक, यहां पे मौका बनाने का प्रयास। क्या क्रॉस देखने को मिलेगा? जी हां, अभी भी खतरा टला नहीं है। क्या शॉट लगा पाएंगे? शॉट लगा भी, रोकना पड़ेगा, सावधान सतर्क रहना पड़ेगा। मौके काकी के सामने होंगे निर्मल ब्रदर्स रांची। और कल के काफी सारे बाप बेजोड़े साथी पनीर खाए स्टॉपर के द्वारा। पूरा समय लेके एक लंबा पास, एक सुंदर क्रॉस, यहां पे मौका बना दिया था बरियातों की टीम। लेकिन एक और बार आखिरी क्षण आखिरी कदम में लड़े मार्केट
कमाल को बचा दिया में गोलकीपर, अपने बाएं हाथ से बचा लिया बरियातू के इस बड़े शॉट को रोक लिया। अन्यथा इस क्षण बरियातू की टीम सेलिब्रेट करती हुई नजर आती, क्या कमाल का अटैक, लेकिन लगातार यहां पे काउंटर अटैक किए जा रहे हैं अब तक के मैच में। बरियातू की टीम अटैक इस बीच और अब तक निश्चित रूप से कार्तिक की अच्छी गोलकीपिंग रही है। कई बार बरियातू की टीम ने टेस्ट किया है लेकिन हर बार ये बिल्कुल खरे उतरे, हर मौके के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक लंबा शॉट यहां पे जर्सी नंबर 14 के लिए अर्जुन संघर्ष कर, अंकित गेंद के साथ एक अच्छा स्किल यहां पे दिखाने का प्रयास लेकिन गलत तरीका, शॉट यहां पे अच्छा लेकिन कार्तिक को बीट नहीं कर पाएंगे। अभी बाईं ओर निकल के इस गेंद को इन्होंने लपक के शॉट अच्छा है, हेडर भी आया लेकिन दिशा सही रख नहीं पाए। क्या कमाल का अटैक इस बीच यहां पे निकलता हुआ मौका, इत्रिश गेंद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, अच्छी खासी दौड़ यहां पे। निश्चित रूप से इस पहले हाफ में बरियातू ने अभी तक के खेल में कई चांसेस अंकित, ये कमाल का मौका क्रिएट किया है, एक अच्छा खासा चांस राजा स्पोर्ट्स बरियातू टीम के लिए। आप कह सकते हैं कि एक एक गोल स्कोरिंग जोन है, डेंजर जोन है। बॉक्स के अंदर गेंद लेकिन अच्छा क्लियरेंस यहां पे एक शानदार हेडर के जरिए। अभी तक हर अटैक का जवाब दिया है अमित ब्रदर्स ने और उनके खिलाड़ियों ने। अंकित उस क्षेत्र में जैसे नंबर 15 एक मिनट का एक्स्ट्रा इंजरी टाइम इस पहले हाफ को समाप्त होने के लिए। क्या इस पहले हाफ की समाप्ति से पहले कोई चांस यहां पे क्रिएट कर पाएगी, बहुत कम समय इस फर्स्ट हाफ को समाप्त होने के लिए।
कृति मै का एक टू बॉल अपने साथी खिलाड़ी जर्सी ने शॉट यहां पे अच्छा है, हेडर भी आया लेकिन इस बीच इस रोमांचक मैच का आनंद लीजिए। जितेंद्र जर्सी नंबर 7 के साथ एक हल्का सा पास अमित ब्रदर्स की टीम में अब तीन नहीं बल्कि दो भी एक अच्छा शॉट यहां पे बॉक्स के अंदर से क्लियरेंस आता हुआ लेकिन लगातार काउंटर अटैक करने के लिए जानी जाती है टीम। रेफरी ने फ्लैग रेंज एक अच्छा हेडर के बाद यहां पे एक क्लियरेंस आता हुआ अंकित एक लंबा पास तौहीद के लिए उस क्षेत्र में जैसे नंबर 6 सूरज भी है स्टॉपर के रूप में शॉट यहां पे लाजवाब हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए की तरफ इस बीच यहां पे शॉट लंबा है कार्तिक के बीच यहां पे जबरदस्त टैकल और यहां पे क्या कर बैठे और क्या अपने आप को संभाले या फिर टीम को संभाले बैक पास किया इन्होंने रोशन गेंद के साथ सीधे जितेंद्र के पास क्या यहां पे कुछ दृश्य अमित ब्रदर्स के खिलाड़ी ने गेंद को कंट्रोल करने का प्रयास किया लेकिन अपने कब्जे में गेंद को रख नहीं पाए जितेंद्र रोशन के लिए लगातार अच्छे पासेस अभी तक देखने को मिला है अच्छा तालमेल देखने को मिला है लेकिन आखिरी क्षण में थोड़ी सी गलती भी देखने को मिली है इस टीम में मैच का ये सेकेंड हाफ का खेल अमित ब्रदर्स के दीवाने बिल्कुल हैं तैयार अब जब देखा कि अमित ब्रदर्स के खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिला है तो उनके चाहने वालों की शोरगोल यहां तक सुनाई दी लेकिन मानो बरियातू की टीम ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि बॉक्स के अंदर से क्लियरेंस करेंगे वहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे नोहू स्टॉपर के रूप में जितेंद्र गदित के पास दिलशाद आए हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए अंकित गेंद के साथ क्या क्रॉस दे पाएंगे जी हाँ एक लंबा शॉट इनके पास जितेंद्र ने कंट्रोल किया मैच में अभी भी प्ले में अभी भी रुकने खिलाड़ी गण विशेषकर आप डिसीजन पर ध्यान दें किसी तरह का एम्पायर महोदय से धक्का मुक्का नहीं करेंगे इस मैच में जो हमारे रेफरी हैं ये नेशनल रेफरी हैं और आप दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेल भावना का परिचय देंगे
येलो कार्ड यानी कि एक रेड कार्ड के बराबर होता है। अब इस मैच में इस खिलाड़ी को आप नहीं देखेंगे। जो प्रतिनिधि का रेड कार्ड हो चुका है, आप कृपया करके बाहर निकल जाएं। अब 10 खिलाड़ियों के साथ अभी ब्रदर्स की टीम नजर आएगी। और हमारे दर्शक बंधुओं से भी आग्रह है कि आप लोग मैच का आनंद लें, हो हल्ला करके माहौल ना खराब करें। बैठ जा बाबू। आराम से बैठिए, बैठिए इधर उधर मत लिए, बैठिए आराम से बैठिए। एक और बार यहाँ पे पासिस सचिन, थोड़ा सा बाहर कर बैठे उस क्षेत्र में हर्ष। शानदार मैच का प्रदर्शन हो रहा है, दर्शक मैच पे देखते जितेंद्र के लिए दिलसाद गेंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें दो खिलाड़ियों से रुकावट का सामना करना पड़ा, रेफरी की विसल आई है। खेलने के लिए खिलाड़ी शामिल, खतरा अभी भी टला नहीं, बॉक्स के नजदीक मिस कर गए अंकित। अब यहां से सचिन आगे बढ़ेंगे गति के साथ। गति की विसल यहां पे जैसे बनती तीन अंक मैदान के अंदर। मौका एक और बार लीजिए, मेहनत का फल और समस्या का हल गुरु मिलता जरूर है। एक लंबा संघर्ष, 5 से 6 मौके, लेकिन आखिरकार लीजिए, मानो गोल का इंतजार था। और इसी के साथ